नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप अपने विंडोज 8 या 10 के ऑटोमेटिक अपडेट को टर्न ऑफ या डिसेबल कैसे करेंगे या फिर स्टॉप कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना माई कंप्यूटर जो भी है या फिर आपका दिस पीसी का आइकन होगा, ठीक है, आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का विंडोज आपको यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा विंडोज अपडेट, ठीक है, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का विंडो यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पर आपको चेंज सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इस वाले एरो पे नीचे क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको दिखेगा नेवर चेक फॉर अपडेट। ठीक है, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद नीचे यहाँ पे ओके का बटन है, आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रन ओपन कर लेना है। रन में आपको लिखना है msconfig। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का विंडोज यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पर आपको सर्विस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सर्विस पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर आपको चेक करना है विंडोज अपडेट कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा है विंडोज अपडेट। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन को अनटिक कर देना है। इसको अनटिक करेंगे फिर यहाँ पर आप इसे ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं पीसी को आपको रिस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अभी मैं रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे विंडो प्लस एस की आपको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है पीसी सेटिंग, PCSETING। ठीक है, पीसी सेटिंग लिखेंगे, आपको यहाँ पे पीसी सेटिंग का ऑप्शन नीचे पे आपको दिख जाएगा। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा अपडेट एंड रिकवरी का ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे अपडेट एंड रिकवरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको चूज हाउ अपडेट गेट इंस्टॉल, ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे आपका नेवर चूज, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे नेवर चेक फॉर अपडेट पे आपका टिक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आपका टिक लगा हुआ है, ठीक है, ओके कर देना है। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, रिस्टार्ट करने के बाद आपको ये जो ऑटोमेटिक अपडेट का प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।